बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू किचन मेस। आज की हमारी रेसिपी है पेरी पेरी चिकन पिज्ज़ा। इसके लिए हम पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने एक ब्रेस्ट लिया है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इसको पेरी पेरी सॉस से मैरिनेट करेंगे। व्यूअर्स, में पेरी पेरी सॉस तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये लिया है रेड बेल पेपर, सुरख शिमला मिर्च, ये मैंने हाफ यूज किया है। इसके मैंने सीड्स भी काट के इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके साथ 3 cloves ऑफ गार्लिक, 3 लहसुन के जुए, इनको डालते हैं। ये मैंने ली थी कश्मीरी मिर्च, इसको मैंने 5 ली थी मैंने मिर्च। इसको मैंने पानी के अंदर सॉक करके तो रखा था, वो मैं यूज करूंगी। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon ऑयल, 1 teaspoon काली मिर्च, 1 teaspoon चीनी, 1/2 teaspoon नमक और 1/2 teaspoon मैं होल जीरा यूज कर रही हूँ। आप पाउडर भी, जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये स्पाइसेस डालते हैं। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे लेमन का जूस 1 teaspoon। अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। व्यूअर्स, ये पेरी पेरी सॉस तैयार है। अगर आपके पास सुरख शिमला मिर्च नहीं है तो आप उसकी जगह इसके अंदर पेपरिका पाउडर 1 tablespoon डाल सकते हैं। तो ये हमारी सॉस जो है फ्रिज के अंदर 1 week तक रह सकती है। तो आप इसको शुरू करते हैं। मैं 2 tablespoon ऑफ पेरी पेरी सॉस, आप 3 tablespoon भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर ज्यादा भी ऐड कर। पैन में 1 tablespoon ऑयल लेंगे, उसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और इसको कुक कर लेंगे। पिज्जा सॉस रेडी करते हैं। हमने लिया है 1 tablespoon ऑयल, उसके अंदर डालेंगे 1/2 teaspoon लहसुन के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon चॉप्ड ऑनियन। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टमाटर की प्यूरी, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच पेरी पेरी सॉस मिक्स कर ली थी। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 tablespoon विनेगर, इसके साथ थोड़ी सोया सॉस, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी सा ऐड करेंगे क्योंकि इसका ओरिजिनल जो पेरी पेरी सॉस का टेस्ट है वो, क्योंकि हम पेरी पेरी पिज्जा बना रहे हैं तो पेरी पेरी सॉस का टेस्ट इसमें हो। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी केचप और इस सब को पकने के लिए रख देंगे। इसमें स्पाइसेस डालेंगे 1/4 teaspoon साल्ट और 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, साथ इसके अंदर ओरिगैनो भी शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, हमारे सॉस भी रेडी है। पिज्जा सॉस
और चिकन भी रेडी है। तो ये हमने डो को बेल लिया है, ये पिज़्ज़ा डो को। व्यूअर्स, मैंने पिज़्ज़ा डो की वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको फोर्क से पर्स कर लेंगे ताकि ये दरमियान से ज़्यादा ना फूले। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, इसको हम ओवन हार्ड के ऊपर ही, इसकी जो साइड्स हैं इनके ऊपर हम बाय बटर करेंगे। आप खाली बटर भी लगा सकते हैं और आप इसको ऑयल में मिक्स करके, ऑलिव ऑयल या किसी में मिक्स करके भी लगा सकते हैं इसकी ग्लेज के लिए। इसके साथ व्यूअर्स, आप जो हमने पेरी पेरी सॉस बनाई है उसको मायनीज में मिक्स करके उसके बाद इसके ऊपर उसकी टॉपिंग करेंगे। ये हमारा पेरी पेरी पिज्जा रेडी है।